प्रॉब्लम्स। आप जो ऑल टुगेदर 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी में करेंगे और 90 फिजिकल साइंस में करेंगे, वो सभी क्वेश्चंस भले ही एक दूसरे से डिफरेंट लेंगे हर टेस्ट में, लेकिन कंसेप्चुअली सभी क्वेश्चंस एक ही होंगे। तो इस तरह के पेपर को अगर आप बार बार अटेम्प्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो एरर है दैट विल बी मिनिमाइज्ड एंड यू विल बी इंचिंग वेरी क्लोज टू योर डिजायर्ड 720 गोल। सौरभ, थैंक यू सुभाष सर। सो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है उसका नाम है मिशन 720 इंटेंसिव प्रोग्राम। सो यस, वी बिलीव दैट आप लोगों में जितने भी बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं दे हैव द पोटेंशियल टू बी गो एज क्लोज टू 720 एज पॉसिबल। सो इस प्रोग्राम में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सो देयर विल बी अ टोटल ऑफ 55 पेपर्स, जिसका अगर ब्रेकअप हम देखेंगे देयर विल बी अ टोटल अबाउट 11,000 क्वेश्चंस जो हमारे एक्सपर्ट्स बनाएंगे आपके लिए, जो इन पेपर्स में अवेलेबल रहेंगे। अगर हम देखें तो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट इसमें 19 रहेंगे, पार्ट सिलेबस टेस्ट इसमें 5 रहेंगे, होम असाइनमेंट्स हम 23 एडिशनल पेपर्स आपको देंगे एंड कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग शीट्स आपको देंगे जहां हमें लगेगा कि कौन मेजर बच्चे कौन कौन क्वेश्चंस में गलत कर रहे हैं। सो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस कराएंगे। सो अगर प्लान आप देखेंगे सो टोटल हमारा ये सोचना है कि जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराया जाए उतना आपको फायदा होगा। सो 45 डेज में हमारे पास समय रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 21st मार्च टिल द डे ऑफ द नीट एग्जामिनेशन। 45 डेज में आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी। इसका पूरा डिटेल प्लानर हमारे पास है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो बेसिकली एवरी डे 21st मार्च को पहला टेस्ट होगा आपका पार्ट सिलेबस टेस्ट विच विल बी फॉलोड बाय द डिस्कशन। फिर 22nd मार्च को आपका दूसरा टेस्ट होगा पार्ट सिलेबस टेस्ट विच विल बी फॉलोड बाय द डिस्कशन। सो आफ्टर एवरी टेस्ट देयर विल बी अ डिस्कशन और उसके साथ हम आपको एक होम असाइनमेंट देंगे। सो इस तरीके का प्लानर हम आपसे शेयर करेंगे विच इज यू कैन सी the total number of tests that will be there। Part syllabus test हम देख पा रहे हैं 5 है, then second को complete syllabus test चालू होगा, then fourth को, fifth को, eighth को, then there'll be AITS in between। ये complete plan के through हम आपको लेकर जाएंगे। It's a very very rigorous plan और we have been doing this for the past 3-4 years and this has led to very very good results। And हमारा पूरा भरोसा है कि अगर आप ये सारे test देते हैं और अगर इसको सिंसियरली आप करते हैं यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन नीट। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि आप 720 हमारे यहाँ से काफी सारे बच्चे सिक्योर करें एंड दिस विल बी अ गुड इनेबलर फॉर यू। टेस्ट की टाइमिंग रहेगी 2:00 to 5:20 PM। सेंटर हम आपको इन ड्यू कोर्स बता देंगे। कुछ टेस्ट हम अपने सेंटर पे करेंगे, कुछ टेस्ट हम एक्सटर्नल सेंटर पे भी करेंगे सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाए फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। मैं चाहूंगा निशान सर कुछ इसके बारे में बात करें। वेलकम टू द सेशन निशान सर। सर ये इंटेंसिव का जो प्रोग्राम रहेगा हमारा जिसमें हम लोग ये डे वाइज प्लानर बच्चे को देंगे, सो स्टूडेंट का क्या अप्रोच रहना चाहिए सर इसमें पार्टिसिपेट करते समय, ये हर टेस्ट के बाद टेस्ट को कैसे एनालाइज करें, क्या रिवाइज करके आए, व्हाट शुड बी द कंप्लीट अप्रोच टुवर्ड्स दिस प्रोग्राम? सबसे पहले तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि ये टेस्ट आप एक भी ऐसा ना हो कि आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए। हर टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, टाइम पर अटेम्प्ट करना है और डिस्कशन क्लास जो उसके बाद होगा, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे इंटेंसिव के प्रोग्राम में जो आप टेस्ट देंगे, जैसे पहला टेस्ट दिया फॉर एग्जाम्पल, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आप उस एग्जामिनेशन टाइम में जो आपको आएगा उसको आपको सेम टाइम पे ही उसका क्लियर कर लेना है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स आप फेस किए हैं वो आपको घर जाके और नेक्स्ट डे तक रिटेन करेंगे सेम प्रॉब्लम, वो ऐसा नहीं होता है। जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है दैट इज द मीनिंग कि जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जो टाइम जो मैंने एग्जामिनेशन हॉल में फेस किया वो एक बार अपने टीचर से आप डिस्कस करके उसको क्लियर करें, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे प्रॉब्लम जो आपके सॉल्व हो जाए। और इंटेंसिव प्रोग्राम इज लाइक ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अगर आप 670-680 के आसपास है तो देयर इज अ गुड चांस ऑफ गेटिंग नियर 720, और अगर आप 610-620 के आसपास है तो आप 650-660 इजली पहुंच सकते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग इट प्रॉपरली। कि टेस्ट दिया, उसके डिस्कशन में बैठे,
टीचर्स के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज वो आप डिस्कस करके क्लियर करें और इतने से ही आपका काम हो जाएगा। और पास्ट जो भी इयर्स में इंटेंसिव के प्रोग्राम्स चले हैं उसमें वी हैव ऑलमोस्ट 100% यू कैन से सक्सेस रेट है। सो आप इतने समझ लें कि इस प्रोग्राम में आप हैं, मतलब इट इज डन, बस आपको प्रॉपर हम लोग के साथ रहना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इस बार इसमें जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया था दैट वाज द परफॉर्मेंस इन AITS एंड योर टर्म एग्जामिनेशंस। सो हमने उसमें से पूरे नंबर्स फाइनलाइज करके वी हैव सिलेक्टेड दो स्टूडेंट्स जो AITS एंड अपने टर्म टेस्ट में 610 प्लस स्कोर कर रहे थे एंड उन्होंने अच्छी सिंसियरिटी दिखाई बाय अपीयरिंग इन मोर नंबर ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट भी ज्यादा दिया। आपको ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट दिया हो, दो टेस्ट दिया हो एंड वी हैव सिलेक्टेड देम फॉर दिस प्रोग्राम। सो आई एम मेंशनिंग दिस बिकॉज़ अगर आप इस प्रोग्राम के पार्ट हैं देन यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन नेट एग्जामिनेशन। सर मैं सुभाष सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी तो सिलेबस बच्चों का कम्प्लीट हो गया है, आई एम अज्यूमिंग कि बच्चे जो भी इसमें सिलेक्ट हुए हैं इसको सिंसियरली लेंगे। मेरा सर दो क्वेश्चन है इसमें से। पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होगा, पहला क्वेश्चन कि अभी से लेकर फ्रॉम 10th मार्च और टिल 21st मार्च जो 10 दिन का टाइम है, इसमें हमारा क्या सजेशन है कि जो इंटेंसिव प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए। एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, बहुत सारे बच्चे इतने सारे नंबर ऑफ टेस्ट देख कर ये सोच सकते हैं कि इतना सारा टेस्ट हम कैसे देंगे, या उनका रिवीजन नहीं हुआ होगा, उनको लगेगा पहला टेस्ट में मेरा नंबर कम आ रहा है, सेकंड में भी कम आ रहा है, या थोड़ा परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो रहा है, तो सर क्या सजेशन रहेगा टू फॉर दो स्टूडेंट्स? देखिए इसमें तो इन जनरल सजेशन अगर मेरा यही रहेगा कि आप देख लो जो आपके सामने है कि किस तरह से किस प्लान के अकॉर्डिंगली यू हैव टू अपीयर इन द इंटेंसिव टेस्ट, तो उसके हिसाब से लगभग एवरी डे यू आर गोइंग टू फेस टेस्ट, इतना समय आपको मिलेगा नहीं रिवीजन का, तो आप प्लान कर लो शुरू से कि कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि पार्ट सिलेबस जो है उसके क्रम में आपको अभी से ही रिवीजन शुरू कर देना होगा। अगर पार्ट सिलेबस आई थिंक सर का निशान तो फ्रीज हो गया है, सर इफ यू कैन कंटिन्यू सर जो सर कह रहे थे। इस प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन होना इट्स सफिशिएंट प्रूफ कि आप उसके कैपेबल है। तो जो भी सौरभ सर कह रहे हैं कि आप ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे, आपको तो पहले वो सोचना ही नहीं है, मतलब सौरभ सर ने बता दिया आपको कि क्या नहीं सोचना है, नहीं कर पाएंगे और ये कर पाएंगे वो कर पाएंगे, आपको करना ही है नहीं हो। You all are capable for that, for sure, believe me. और ये बिलीव आपको अपने ऊपर भी रखना पड़ेगा, तो इसको टेंशन लेके नहीं, इसको थोड़ा एंजॉय करते हुए काम करना है। थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे होंगे बट उसके लिए आपको बहुत पैनिक नहीं करना है अपने लाइफ में कि ये क्या हो गया। इट मे बी पॉसिबल कि सम टेस्ट यू आर स्कोरिंग 550 और 500, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको जो भी गलतियां आपने की, क्योंकि बेसिकली अभी आप जितनी गलती कर पाए उससे सीख पाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि आपको कितना आता है। थैंक यू सर, आई थिंक सुभाष सर ने हमें रिजॉइन कर लिया। यस सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक तो ऑलरेडी गियर्ड होंगे पहले से इंटेंसिव के लिए, उनकी प्लानिंग पक्की होगी, उनका सारा होमवर्क हो चुका होगा, उनको तो अब शुरू कर देना चाहिए रिविजन। 21st से टेस्ट शुरू होने वाला है, अपना रिवीजन प्लान उनका शुरू हो जाना चाहिए। आज 10th है, 11th से उनको एकदम प्लान करना चाहिए। प्लानिंग इज द की टू सक्सेस। अब उनको आइडिया है ऑलरेडी कि 5th मई तक कितने डेज हैं और वो कितने सेल्फ आवर्स, सेल्फ स्टडी के लिए कितने आवर्स दे सकते हैं, उस हिसाब से उनको ऑल टुगेदर एग्जैक्ट आवर पता है कि पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए, टेस्ट देने के लिए मेरे पास ऑल टुगेदर कितने आवर्स, उस हिसाब से उनको अपना ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और रिवीजन प्लान करना होगा। ये हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होगा, एक जनरल आइडिया हम लोग नहीं दे सकते यहाँ पर, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। इन जनरल हम लोग यही बोल सकते हैं कि इंटेंसिव शुड बी द की टू योर प्रिपरेशन। इंटेंसिव टेस्ट सीरीज जो उसको ध्यान में रख के आप एक प्लानिंग करिए, और अगर मान लीजिए
किसी कारण बस आपका सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाया, तो उसके बेसिस पर आप टेस्ट स्किप मत करिए। टेस्ट में अपीयर होकर के भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट में अपीयर होंगे, पता चलेगा ये तो मैंने किया ही नहीं था, तो घर आकर के उसको खोजेंगे, ढूंढेंगे, उसका मगिंग अप करेंगे, उस तरह से आपका काम हो जाएगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं अभी हाफ प्रिपेयर्ड हूँ, फुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं टेस्ट कैसे दूंगा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम लोगों ने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को देखा कि जिनका प्रिपरेशन नहीं था, वो बचना चाहते थे टेस्ट से, लेकिन हम लोगों ने मोटिवेट किया कि नहीं नहीं इवन इफ यू आर हाफ प्रिपेयर्ड अपीयर इन द टेस्ट एंड रिवाइज योर सिलेबस थ्रू टेस्ट। ये उनको बहुत फायदा किया। लास्ट में उन्होंने कन्फेस किया कि दैट लाइन हेल्प्ड अस, वो लाइन अब ले सकते हैं। टेस्ट ये बहुत जरूरी है देना, मॉक टेस्ट टाइप है, और मैं आपको बता रहा हूं कि सेम सिलेबस का डिफरेंट लैंग्वेज के टर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उससे आपको काफी फायदा होने वाला है। तो इसको स्किप किसी हालत में नहीं करना। सौरभ, थैंक यू सर। सो डियर स्टूडेंट्स, एज सर सेड कि सिलेबस अगर आपने कर लिया है, आप स्ट्रेटजी बनाइए कि आप कैसे टेस्ट के थ्रू रिविजन करें। सो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ईयर, जो स्टूडेंट से हमारी बात होती है, जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, 712 ऑल रैंक 20 ऑल रैंक 85, दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस, तो वो हर टेस्ट के बाद अपने वीकर एरियाज को आइडेंटिफाई करते थे, उसको नोट करते थे, नेक्स्ट टेस्ट में वो वीकर एरियाज को स्ट्रेंथन करके आते थे, एंड देन अगेन फ्रेश एनालिसिस करते थे। तो मेरा भी यही कहना है, एवरी टेस्ट एनालिसिस शुड बी डन प्रॉपरली। अपने वीकर एरियाज को आप नोट करते रहिए, एंड फॉर द सेकंड नेक्स्ट टेस्ट व्हेन यू आर कमिंग, वो वीकर एरियाज को स्ट्रेंथन करके आइए, एंड एक बार फ्लो आ जाएगा, देन वी आर श्योर यू विल डू वेरी वेरी वेल। मैं सर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसमें कि यस, पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, सम पेपर्स माइट बी डिफिकल्ट, सम पेपर्स माइट बी इजी, बिकॉज उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि वी आर एबल टू कवर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हम इसमें कवर कर सके, एंड ऐसा आपको तैयारी कराएं दैट देयर इज नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड बेसिकली। सो हर पॉसिबिलिटी के लिए आपको इसमें तैयारी करा दी जाएगी। दिस टेस्ट्स आर वेरी वेरी साइंटिफिकली डिजाइन। इसमें ऐसा होगा कि पहले पेपर में हो सकता है फिजिक्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो, केमिस्ट्री बॉटनी जुअलॉजी ईजी हो, सेकेंड पेपर में हो सकता है फिजिक्स आसान हो, केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो, बॉटनी जुअलॉजी इजी हो, दो मॉडरेट हो, दो इजी हो, सो ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर कवर्ड जो आप इन ऑल प्रोबेबिलिटी नेट में फेस कर सकते हैं। सो बाय द एंड ऑफ इट, इसमें ऐसा भी रहता है फिजिक्स में, अगर फिजिक्स का मॉडरेट पेपर है तो हो सकता है चैप्टर वन से डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, चैप्टर टू से कम डिफिकल्ट होगा, एंड नेक्स्ट टेस्ट में वो वाइस वर्सा होगा। सो ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर बीइंग कवर्ड थ्रू दिस इंटेंसिव प्रोग्राम, कि बाय द एंड ऑफ इट आपको कहीं भी ऐसा ना लगे, आप हर चैप्टर के डिफिकल्ट क्वेश्चन भी फेस कर चुके हो, इजी क्वेश्चन भी फेस कर चुके हो, मॉडरेट क्वेश्चन भी फेस कर चुके हो, पेपर में हर तरीके का जो पॉसिबिलिटी हो सकता है कॉम्बिनेशन का, वो पॉसिबिलिटी आप देख चुके हो। एज फार एज आई कैन शेयर वन एग्जाम्पल विथ यू, लास्ट ईयर मुझे याद है कि हमारे इंटेंसिव प्रोग्राम में असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए थे, एंड पिछले साल नीट तक assertion reasoning के question नीट में नहीं आ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके ये कहा था कि सर पेपर बहुत डिफिकल्ट था इंटेंसिव का, उसमें assertion reasoning के questions आ गए, बट इवेंचुअली आप सोचिए फाइनल नीट में भी assertion reasoning के question आ गए, एंड दैट इज वेयर आवर स्टूडेंट्स fared well, बिकॉज उन्होंने वो नर्वसनेस उसी टेस्ट में फेस कर लिया था, फियर कर लिया था, सो दे वर प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। सो यू नेवर नो what रियली हेल्प्स यू। मैं चाहूंगा निशांत सर थोड़ा और बताएं कि कैसे सर इंटेंसिव में, क्योंकि एज फार एज आई रिमेम्बर बहुत बच्चे बीच में आते आते उनको ये लगता है कि मेरे स्कोर कम आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, पेपर का लेवल बहुत ऊपर आ रहा है, तो सर स्कोर को लेके स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या रहना चाहिए? व्हाट इज द आइडियल स्कोर, और इज देयर एन आइडियल स्कोर, या किसी स्कोर को प्रायोरिटी नहीं दे के किसी और चीज को प्रायोरिटी दे? सो व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस व्हाइल अपीयरिंग फॉर दिस एग्जाम? स्कोर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग क्या है कि 550 के अराउंड अगर आप हैं तो होपफुली कुछ गलतियां हुई एग्जामिनेशन में जिससे आपको सीखने का मतलब है। अगर आप 500 से लेस स्कोर कर रहे हैं समवेयर, तो इट मींस कि आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत है, कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट आपने नहीं पढ़ा है जो आपको पढ़ना था अच्छे तरीके से। तो थोड़े टाइम के लिए आप एक दो टेस्ट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि आप पढ़ पाए, क्योंकि
550 से नीचे आने का मार्क्स सब उसके लिए आपको मतलब पॉसिबल नहीं है कि आपको उससे कम मार्क्स आए, बता रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ चैप्टर्स हो सकता है कि आपने अच्छे से नहीं पढ़े और उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ज्यादा आ गए जिसकी वजह से आपने ये प्रॉब्लम फेस किया, उस चीज को पिक कीजिए। और इन एनी केस जो सिलेक्शन प्रोसेस सौरभ जी ने लिया है उसके अकॉर्डिंगली आप इन एनी केस 500 से नीचे नहीं जा रहे, और नंबर के लिए एकदम बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है कि वो पेपर जो आपने 720 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आपको 720 में 720 आ जाता है, और अगर आप ये सोचते हैं कि वो पेपर बहुत अच्छा हुआ तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप पूछिएगा तो पेपर ने आपको पूरे 3 घंटे कुछ नहीं सिखा, वो पूरा 3 घंटे वो ऐसे चला गया जो क्वेश्चंस आप पहले से जानते थे वही आपके सामने आए। तो अगर कुछ गलतियां हो रही है तो लेट इट बी हैपन कि उससे आप कुछ सीख रहे हैं, बिकॉज अभी सीखने का टाइम है और दैट लास्ट डे जिस डे, इसके बाद आपको सीखने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए उसके पहले जो भी कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाए उससे सीखना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम लोग उसके लिए पैनिक करें। अगर आप 50 नंबर 100 नंबर कम लेके आए हैं किसी पेपर में तो देयर इज 50 मार्क्स, ऐसे 50 मार्क्स है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, और वो 50 मार्क्स जो आपको सिखा के गए वो आपको टिल नीट एग्जामिनेशन आपको ध्यान में रहेगा, बट जो आप सही किए उसके चांसेस गलत होने के बनते हैं, तो डोंट बी हैप्पी लाइक मैंने वो सही कर दिया तो वो हमेशा के लिए सही होगा, और जो गलत किया वो अगली बार गलत नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर, बिलीव मी फॉर श्योर। इसलिए गलतियों से और मार्क्स कम आने से आपको इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। 600+ इफ यू आर स्कोरिंग इट्स वेरी गुड, वेल एंड आप सीखते रहिए और काम करते रहिए, आप एंथुजियास्टिक रहिए, आप एकदम जील के साथ काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बट अगर उसके नीचे जा रहे तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, टीचर से बात कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि बेटर टीचर्स जो होंगे वो एज ए इंडिविजुअल आप क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं वो आपके टीचर्स से आपको ज्यादा अच्छे समझ पाए, उनसे सजेशन लीजिए और फिर आगे वर्कआउट कीजिए। थैंक यू निशांत सर, आई थिंक दैट इज क्वाइट क्लियर। सो बच्चों टेस्ट देते रहना, परेशान ज्यादा नहीं होना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जैसा सर ने कहा कि अगर कुछ गलतियां हो तो उसको पॉजिटिवली लीजिएगा कि एटलीस्ट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द एरियाज जहां पे आपको इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, सो टेक इट एज अ चैलेंज। हर टेस्ट में अपियर करना है, हर टेस्ट के बाद पेपर को एनालाइज करना है, फिर फ्रेशन अप होकर नेक्स्ट टेस्ट के लिए आना है, अपने रूटीन को सही रखना है। यू कैन ऑल्सो मेंटली, जो कहते हैं ना कि मेंटल कंडीशनिंग भी आप अपने अपने जो बायोलॉजिकल क्लॉक को है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सो ये 40-45 डेज एवरी डे जब भी आपका टेस्ट होगा इट शुड बी ट्रीटेड लाइक एन एग्जाम डे, उसी तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करिएगा, उसी तरीके से अपने मेंटल कंडीशनिंग को करिएगा, उसी तरीके से प्रिपेयर होकर आइएगा, एंड देन आप रियलाइज करेंगे कि जब आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं इट वुड बी जस्ट अनदर डे एंड आपका जो परफॉर्मेंस है वुड बी एट द पीक। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आप पेरेंट्स को भी इसीलिए इनवाइट किया है कि क्योंकि हर दिन ऑलमोस्ट हर दिन बच्चे को सेंटर पे आना है, सो मेरा हम लोगों का पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो पूरा सपोर्ट एक्सटेंड करें कि बच्चे सेंटर पे आ पाए, पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी कर ले, बिकॉज विथ आर एक्सपीरियंस वी कैन टेल यू दैट दिस विल रियली हेल्प इन गेटिंग दैट एज ओवर अदर्स, जो और लोगों और लोग जो आपके साथ कम्पीट करने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं आकाश में रहने का, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस है। ये जो टेस्ट सीरीज होगी, इंटेंसिव प्रोग्राम जो हमारा होगा, इट विल गिव द स्टूडेंट एन एज ओवर एनी अदर स्टूडेंट जो कहीं और से तैयारी कर रहे हैं, एंड हेंस आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 साल से आकाश के रिजल्ट बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, इसमें इंटेंसिव प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल है, एंड वी फर्मली बिलीव दैट अगर कोई बच्चा इसको सीरियसली लेता है एंड एंड तक जाता है, ऐसा इस सेट की अगर आप बीच में कोई भी टेस्ट छोड़ेंगे तो हो सकता है वही पॉसिबिलिटी आपको नीट के पेपर में मिल जाए। सो अगर आप सारे टेस्ट देंगे, एवरी टेस्ट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन इट्स ओन सेल्फ, एवरी पेपर विल बी अ न्यू पेपर फॉर यू, एवरी पेपर विल बी अ न्यू चैलेंज फॉर यू, एंड एवरी पेपर विल प्रिपेयर यू फॉर वन काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी दैट कैन फाइनली हैपन इन द नीट एग्जाम। सो हर तरीके से आपको हम लोग तैयारी कराएंगे एंड वी होप दैट आप इसको सीरियसली लेंगे, एंड अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है वी हैव ऑल्सो असाइन मेंटोर्स, मतलब हमने आपको फैकल्टीज असाइन कर दिए हैं जो एकेडमिक है, डिप्टी HOD, सीनियर फैकल्टी, जो भी आपको मेंटोर असाइन रहेंगे, कभी भी आपको दिक्कत होगी प्लीज गेट इन टच विद देम, आई एम श्योर कि उन्होंने, यू नो हु द मेंटोर फॉर यू इज, कौन आपसे बात कर रहे हैं फैकल्टीज, कौन आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो दे विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू। आवर मिशन शुड बी कि हम 720 में 720 लेकर आए, एंड यस इट इज पॉसिबल, इट इज स्टूडेंट्स लाइक यू हु आर डूइंग इट।
अब यहां तक कर लिया है तो लास्ट 20-25 days, 40 days और पूरा लग के मेहनत करो बच्चों यार, आप ही के जैसे बच्चे कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल दैट दिस ईयर पटना आकाश इज गोइंग टू गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। देयर आर मेनी मेनी स्टूडेंट्स हु आर परफॉर्मिंग वेल एंड वी फील इट्स अ प्राइड। हम सेलिब्रेट करेंगे, विल सेलिब्रेट एज हार्ड एज वी कैन एंड वी होप दैट आप इस प्रोग्राम को एंड टू एंड फॉलो करेंगे। मैं चाहूंगा सुभाष सर कुछ क्लोजिंग वर्ड्स दें फॉर द स्टूडेंट्स एंड अगर बच्चों की कोई क्वेरी है सो यू कैन गेट इन टच विद अस और यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द चैट सेक्शन और द क्वेश्चन आंसर सेक्शन Q&A सेक्शन। थैंक यू सौरभ, ये आपने सब कुछ कह ही दिया है। अब तो बच्चों को ये समझना होगा कि जो उनको हार्डवर्क करना था वो आपने कर लिया है। अब आपको आपके आगे का जो गेम है वो इंटायरली मेंटल गेम है। यू हैव टू होल्ड योर नर्व। अब जो 2 महीने का मामला बन रहा है बल्कि उससे भी कम का, उसमें आपको दिमागी रूप से शांत रहना है। यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग टू योर सेल्फ। आपको अपने आप से बात करते रहना है कि जो वट एवर इज रिक्वायर्ड टू क्रैक नीट आई हैव ऑलरेडी डन इट। नाउ इट्स ऑल प्रैक्टिस टाइम, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस हार्ड। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और उसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इंटेंसिव टेस्ट सीरीज, दैट इज दैट रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है और सेल्फ बिलीफ रखना है कि जो भी रिक्वायर्ड था वो हम लोगों ने कर लिया। जब आप टेस्ट देने आएंगे सेंटर में तो आप जो ये जो ग्रुप बनाया है इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है पीयर टू पीयर लर्निंग, कि आप ही के लेवल के सभी बच्चे हैं। अब किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, आपका नजरिया कुछ और है, अपने पीयर से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, तुम क्या सोचते हो इस प्रॉब्लम के बारे में, क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो उस तरह से इट विल हेल्प यू। ऑल इन ऑल ये आपके लिए है, इसमें फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो कुछ नहीं। तो इसलिए इसको स्टिक करना है और यू हैव टू हैव पॉजिटिव भाई, मतलब एटीट्यूड सेट राइट रखना है, क्योंकि एटीट्यूड से ही सब कुछ होगा। आज ही मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में कि 25 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है नेट के लिए। आप सोच लीजिए ये जो डॉक्टर्स का करियर है वो कितना आज डिमांड में है। एक तो अगर आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स ऑफ द साइंस स्ट्रीम ऑफ 12th स्टैंडर्ड ओनली 20 स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बायोलॉजी, और उसके बावजूद भी इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से जो प्रीवियस ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं जो एमएससी तक पहुंच गए वो सब भी अप्लाई कर रहे हैं। वो भी इस मुंह को छोड़ नहीं पा रहे हैं कि डॉक्टर का करियर इतना बढ़िया होता है। निशांत सर, आई थिंक वी अगेन लॉस्ट सुभाष सर। इट्स अ क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम योर एंड। होपफुली वी विल एंजॉय। आई थिंक आपको इसको एक फेस्टिवल की तरह ट्रीट करना है। 1.5 महीने का 2 महीने का एक फेस्टिवल चल रहा है हम लोगों का, जो हमारे लाइफ को बहुत अच्छे जगह पहुंचाएगा। जस्ट एंजॉय इट। तो बच्चों मेरा आपको यही कहना है, जैसे प्रोग्राम का हमारा नाम है इंटेंसिव प्रोग्राम, तो कीप द इंटेंसिटी हाई एंड एक इंटेंस प्रिपरेशन करना है, इंटेंसली लगे रहना है। हमारा प्रोग्राम का नाम है एम 720, तो 720 का एम बनाना है। अभी हैव गॉट सुभाष सर बैक। सर आप कंप्लीट कर लीजिए सर क्लोजिंग स्टेटमेंट। हाँ, मैं कह रहा था कि ये आपको सोचना है कि बायोलॉजी में हमको 350 लाना ही लाना है। हर टेस्ट के बाद एनालाइज करिए कहाँ गड़बड़ है। अगर आप वहां 350 ले आए तो आप 720 के बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं। और जैसा कि निशांत ने कहा कि आपको इंटेंसिव में जो भी मार्क्स आएगा उसमें 50 मार्क्स एकदम जोड़ लीजिए, जितना आपको इंटेंसिव में आ रहा है उसमें प्लस 50 कर दीजिए, वही आपका नीट स्कोर होगा। क्योंकि नीट का पेपर मॉडरेट स्टैंडर्ड का होता है, हमारा पेपर थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का होगा, इसमें दो मत नहीं है। बट इट विल हेल्प यू, आपके लिए है। आप कंप्लेसेंट ना हो जाए इसके लिए है। इसलिए अब ये आपके लिए डिजाइंड है ये इंटेंसिव टेस्ट सीरीज, एंड आई होप कि यू विल गिव योर 100% टू इट। सौरभ, सो डियर स्टूडेंट्स, आवर टीम विल शेयर द इंटेंसिव शेड्यूल, इंटेंसिव प्रोग्राम शेड्यूल एंड ऑल द डिटेल्स विद यू इन अ कपल ऑफ डेज टाइम। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, रॉक कर देना है
बस लग जाना है, एक इंटेंसिटी मेंटेन करना है, जो कराया जा रहा है उसको आंख बंद करके फॉलो करना है। गिव दिस टाइम ओनली 45 डेज, जब आप देंगे बढ़िया से इसको दीजिए, अपना 100% एफर्ट लगाइए। कभी कोई दिक्कत हो आके डिस्कस करिए, वी आर ऑल देयर फॉर यू। आज सुभाष सर हैं, निशांत सर हैं, देयर आर मेनी मेनी ऑफ आवर एकेडमिक हेड्स एंड वेटरन्स इन दिस फील्ड जो आपको गाइड करेंगे। यू आर इन द बेस्ट हैंड्स एंड यू विल गेट द बेस्ट सपोर्ट। आज आकाश किसी रीजन से है, हम रिजल्ट्स ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पीछे कारण है, एंड लेट मी टेल यू इंटेंसिव प्लेज इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस इन व्हाई हाउ वी हैव इंप्रूव्ड आवर रिजल्ट्स इन द प्रीवियस इयर्स। सो वी होप दैट इस साल आप लोग सब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं फॉर नेट एग्जामिनेशन। सो जस्ट कीप द जोश हाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुभाष सर, थैंक यू निशांत सर, एंड वी होप दैट यू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। और आप लोग सब डॉक्टर्स बने और हम लोग बढ़िया से उसको सेलिब्रेट करेंगे, एंड वील ऑल बी देयर फॉर यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुभाष सर, थैंक यू एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट टू योर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।